निंद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ, तो उसको उसका इंटरफेरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि तुम कौन होती हो, सोने सो जाओ और मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा तुम्हें क्या लेना। ऐसा करते हैं ना घर में, जो नहीं करते हैं मन ना बोले, जो करते हैं वो बोले, जरा करते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना, कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे हम नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी, मोदी जी को मिला था उसने कहा है सो जाओ, अभी यहां आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में घुसते ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको एक उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे, सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं, बहुत गहरी नींद होनी चाहिए।